ग्रामीणों की शिकायत पर सिंहदेव के अधिकारियों को दो दो टुक, मेरे को सरकार का हिस्सा मानिए, मुझे किसी के सामने भी खड़ा होना होगा तो मैं हो जाऊंगा और सीधा टकराव होगा। लेमरू प्रोजेक्ट मामले में वन विभाग द्वारा अवैध तरीके से ग्राम सभा कराने और ग्रामीणों के ऊपर दबाव बनाने के मामले में सिंहदेव ने उदयपुर वन परिक्षेत्र अधिकारी को कड़ी फटकार लगाई। सपना मुखर्जी वन परीक्षा अधिकारी की शिकायत काफी मिल रही थी। यही नहीं, परिक्षेत्र कम अंबिकापुर में अक्सर सुर्खियों में बनी रहती है, जबकि वन विभाग के अधिकारियों को उनके परिक्षेत्र में होने अनिवार्य है। इस बात पर भी मंत्री ने TS सिंहदेव ने उनको वार्न किया। उनके द्वारा कहा कि अवैध तरीके से उदयपुर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री ने दो टूक शब्दों में कहा कि यदि ग्रामवासी इस प्रोजेक्ट में शामिल नहीं होना चाहते तो उन पर किसी तरीके का दबाव ना डाला जाए, मुझे इनके लिए किसी के सामने भी खड़ा होना पड़े तो मैं खड़ा हो जाऊंगा और अगर सीधा टकराव होगा मुझे सरकार का हिस्सा माने या मत माने, लेकिन ग्रामीणों पर दबाव बनाकर अवैध तरीके से ग्राम सभा कराने को किसने कहा। बड़ी बात तो यह है कि TS सिंहदेव स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कह डाला कि आप एक रेंजर हैं और आपको इतना तो मालूम होना चाहिए कि सरगुज कोरोना महामारी से जूझ रहा है। अब तक सरगुजा में कोरोना से 27 मौतें हो चुकी है, फिर भी भीड़ बढ़ाकर क्या आप साबित करना चाहती हैं। वहीं सपना मुखर्जी की बोलती वहीं बंद हो गई। उनके द्वारा कहा गया कि ग्रामीणों को भी आपके किसने बोला वन परिक्षेत्र अधिकारी के रेंजर असिस्टेंट के द्वारा दबाव बनाया गया था। कल विभाग कहेगा पंचायत विभाग हमको चलाना है तो आप पंचायत विभाग चलाने लगे ना, इतना तो रखना चाहिए ना, रेंजर हो छोटे ऐसा कैसे आप लोग करना। जब तक ग्राम सभा के लिए आपकी जिला पंचायत के CEO साहब का या कलेक्टर